हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी टॉपिक सीरीज़ की तीसरी वीडियो के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में जो है हम आपके न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग NTU UGC नेट पेपर 1 के लिए जो भी MCQs बनते हैं हम उन्हें जो है इस टॉपिक सीरीज़ में कवर करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन शॉर्ट में कहेंगे UGC ने जो है फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो है जारी कर दी है, यानी कि फर्जी विश्वविद्यालयों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जहां पर जो है भारत में ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं जिन्हें जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि देयर आर मैनी सच यूनिवर्सिटीज इन इंडिया विच आर नॉट रिकोगनाइज बाई द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो फ्रेंड्स, आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड में जो है हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs को कवर किया है, वो MCQs जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो फ्रेंड्स, UGC द्वारा ये जो लिस्ट जारी की गई है इसके अकॉर्डिंग जो है भारत में इस समय टोटल जो है फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं 23, यानी कि 23 फेक यूनिवर्सिटीज जो हैं इस समय भारत में मौजूद हैं जिन्हें जो है UGC द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है इस समय दिल्ली में जो है 7 फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कर्नाटका में 1 है, केरला में 1, महाराष्ट्र में भी जो है 1 फेक यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल में 2 हैं, उत्तर प्रदेश में जो है 8 फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि UGC द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, उड़ीसा में 2 हैं, पुडुचेरी में 1 है, यानी कि कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र और पुडुचेरी, यहाँ पर जो है एक एक जो है फेक यूनिवर्सिटी है, और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में जो है 2-2 फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 8 हैं और दिल्ली में जो है 7 फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो फ्रेंड्स, इन फेक यूनिवर्सिटीज़ के नाम जो है आपकी स्क्रीन पर मेंशन कर दिए गए हैं, और इन फेक यूनिवर्सिटीज़ के नाम जो है हम रीड कर देते हैं, जहाँ पर दिल्ली में जो है, जैसे कि हमने अभी ऊपर बात किया कि दिल्ली में इस समय 7 फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं। नंबर 1 पर है कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली, नंबर 2 पर है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिल्ली, नंबर 3 पर है वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, नंबर 4 पर ADR सेंट्रिक जुरिडिकल यूनिवर्सिटी ADR हाउस 8J गोपाल टावर 25 राजेंद्र प्लेस न्यू दिल्ली 110008, नंबर 5 पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग न्यू दिल्ली, नंबर 6 पर है विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रोजगार सेवा सदन 672 संजय इनक्लेव ऑपोजिट GTK डिपोर्ट दिल्ली, पिन कोड है 110033। नंबर 7 पर है जो दिल्ली में फेक यूनिवर्सिटी है वो है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, इनके स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी 3512352 फेस 1 ब्लॉक ए विजय विहार रिथला रोहिणी दिल्ली 110085। सो फ्रेंड्स, ये थी 7 फेक यूनिवर्सिटीज जो कि दिल्ली में है जिन्हें जो है UGC द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। 8वें नंबर पर है जो कि यूनिवर्सिटी कर्नाटका में है, फेक यूनिवर्सिटी है बदगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी गोकुक बेलगाम कर्नाटक। नंबर 9 पर है जो कि फेक यूनिवर्सिटी केरला में है, सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी कृष्णाटम केरला। नंबर 10 पर है जो कि फेक यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है, राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर महाराष्ट्र। नंबर 11-12 पर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की 2 फेक यूनिवर्सिटीज के बारे में। नंबर 11 पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कोलकाता, नंबर 12 पर है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च 8A डायमंड हार्बर रोड बुलटेक इन सेकेंड फ्लोर ठाकुरपुर कोलकाता 700063 जो है इसका पोस्टल कोड है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 8 फेक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जहां पर 13th प्लेस पर है वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी UP जगतपुरी दिल्ली। नंबर 14 पर है महिला ग्राम विद्यापीठ विश्वविद्यालय यानी कि वुमेन्स यूनिवर्सिटी प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। नंबर 15 पर है गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 16 पर फेक यूनिवर्सिटी जो है वो है
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी कानपुर उत्तर प्रदेश। नंबर 17 पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी अचलतल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। नंबर 18 पर है उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कोसी कल्याण मथुरा और ये भी फेक यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश में है। नंबर 19 पर है महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। नंबर 20 पर है इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद इंस्टीट्यूशनल एरिया कोड़ा मकानपुर नोएडा फेज सेकंड उत्तर प्रदेश। सो फ्रेंड्स, ये थी उत्तर प्रदेश की 8 फेक यूनिवर्सिटीज जो कि यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उड़ीसा की 2 फेक यूनिवर्सिटीज के बारे में। 21 पर है नव भारत शिक्षा परिषद अन्नपूर्णा भवन प्लॉट नंबर 242 पानी टंकी रोड शक्ति नगर राउरकेला 769014। 22वें नंबर पर है नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उड़ीसा। और लास्ट फेक यूनिवर्सिटी है जो कि नंबर 23 पर है जो कि पुडुचेरी में है श्री बोधि अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन नंबर 186 थलास्पत वजुथाबूर रोड पुडुचेरी 605009। सो फ्रेंड्स, ये थी 23 फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जो कि यूजीसी द्वारा जारी की गई है। सो फ्रेंड्स, आपको जो है इन 23 फेक यूनिवर्सिटीज के नाम जो है याद रखने हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ हम आपको बता दें कि हम जो है अपनी अपकमिंग वीडियोस में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्टेट यूनिवर्सिटीज लिस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और भी जो है आपके कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं यानी कि एमसीक्यूज बनते हैं उन्हें जो है हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल जो है हम इस वीडियो में आपके कवर कर रहे हैं फेक यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे इन 23 जो फेक यूनिवर्सिटीज हैं इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज के बारे में। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटीज यूजीसी द्वारा जारी की गई 23 फेक यूनिवर्सिटीज की नई लिस्ट में शामिल नहीं है यानी कि विच ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द न्यू लिस्ट ऑफ 23 फेक यूनिवर्सिटीज इशूड बाय यूजीसी। ऑप्शन ए है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग न्यू दिल्ली, बी राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर महाराष्ट्र, सी कॉटन कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी पान बाजार असम, डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन कोलकाता, ई नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उड़ीसा, एफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार पटना बिहार, ऑप्शन जी है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ छत्तीसगढ़, ऑप्शन एच है महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। सो फ्रेंड्स, कोड जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है तो आप इसी वीडियो के नीचे जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जो है आपको 23 जो फेक यूनिवर्सिटीज हैं उसकी लिस्ट जो है याद होनी चाहिए, देन जो है आप बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट कोड है वो है कोड 3, जहां पर जो है कोड 3 के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन सी कॉटन कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी पान बाजार असम ये जो है एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और साथ ही साथ जो है ये फेक यूनिवर्सिटी नहीं है। ऑप्शन एफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार पटना बिहार ये जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये भी जो है फेक यूनिवर्सिटी नहीं है। ऑप्शन जी ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ छत्तीसगढ़ ये जो है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इट इज ऑल्सो नॉट अ फेक यूनिवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मौजूदा समय में कितनी फेक यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है यानी कि हाउ मेनी फेक यूनिवर्सिटीज आर करंटली इन एग्जिस्टेंस विच आर नॉट रिकोगनाइज बाय यूजीसी। सो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 27, बी 19, सी 21 या फिर ऑप्शन डी 23। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको
स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि इस समय जो है ऑप्शन डी 23 फेक यूनिवर्सिटीज हैं जिसे जो है यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मार्क दी करेक्ट स्टेटमेंट। आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है मार्क करनी है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए स्टेटमेंट कहती है कि सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी कृष्णट्टम केरला इज अ फेक यूनिवर्सिटी। बी स्टेटमेंट कहती है मौजूदा समय में दिल्ली में 9 फेक यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि एट प्रेजेंट देर आर 9 फेक यूनिवर्सिटीज इन दिल्ली विच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय दी यूजीसी। सी स्टेटमेंट है हमारी गणपत यूनिवर्सिटी मेहसाणा गुजरात इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। डी स्टेटमेंट कहती है डीपी सिंह इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। और ई स्टेटमेंट है हमारी यूजीसी हेडक्वार्टर्स इज इन मुंबई। सो फ्रेंड्स, कोर्स जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपको जो है करेक्ट कोड मार्क करना है। सो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट कोड है वो है कोड नंबर 1, जहां पर जो कोड नंबर 1 कहता है कि ऑप्शन ए सी डी ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी कृष्णट्टम केरला इज अ फेक यूनिवर्सिटी, ये जो है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। देन जो है अगर हम सी स्टेटमेंट की बात करें, गणपत यूनिवर्सिटी मेहसाणा गुजरात इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जी हाँ ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और ऑप्शन डी है हमारा डीपी सिंह इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूजीसी, और ये भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, यानी कि इस समय जो है डीपी सिंह जो है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष हैं। अगर हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करें, जहां पर जो है हमारी बी स्टेटमेंट है मौजूदा समय में दिल्ली में 9 फेक यूनिवर्सिटीज हैं जो यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस समय जो है दिल्ली में 7 फेक यूनिवर्सिटीज हैं, सो 9 की प्लेस पर आएगा 7, जिन्हें जो है यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर हम ई स्टेटमेंट की बात करें, तो ई स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यूजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में नहीं है, वो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और साथ ही साथ अगर हम इसके 6 रीजनल सेंटर्स के बारे में बात करें, तो वो हैं पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर हम इन क्वेश्चंस के अलावा बात करें, तो आप जो है लोगों को अवेयर कर सकते हैं इन फेक यूनिवर्सिटीज के बारे में, ताकि लोग जो है इन फेक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ना लें। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है, आप उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए।